जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यूज 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के टेस्ट नंबर 41 का जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, इस टेस्ट सीरीज का टॉपिक था एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित। और इस टॉपिक से जो है दो टाइप से जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला कि किन किन कारणों से पर्यावरण में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, और दूसरा जो है क्वेश्चन जो टाइप है प्रश्न पूछने का वो जो है करेंट का जो घटनाक्रम है, जैसे कोई सम्मेलन हुआ पर्यावरण से संबंधित, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर, लेकिन वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो अक्सर जो है आ रहे हैं, तो आपको जो है इन दोनों टाइप पर जो है पकड़ बनाना है। तो आप इन दो चीजों पर जो है ज्यादा जो फोकस करिएगा। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन था चिपको आंदोलन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। देखिए, अगर इस चिपको आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे कौन थे, तो पर्यावरणवीर सुंदर लाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। और अगर बात करें कि सुंदर लाल बहुगुणा जो है कहाँ से थे, तो ये जो है उत्तराखंड से थे। और अगर बात करें कि यह जो आंदोलन था आखिर था किससे संबंधित, तो ये जो आंदोलन था ये जो है पेड़ों की कटाई रोकने से जो है संबंधित था। और इसी आंदोलन के बाद जो है बहुगुणा जो है वृक्ष मित्र के नाम से जो है प्रसिद्ध हो गए। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है सुंदरलाल बहुगुणा का जो है मृत्यु हुई है 21 मई 2021 को। तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड जो जितने भी फैक्ट है आपको जो है देखना जरूर है। अगर बात करें सुंदरलाल बहुगुणा की जन्म की, तो इसका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 में। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जो है 1981 ईस्वी में जो है स्कॉट हेम का जो है वैकल्पिक नोबल पुरस्कार भी इसे जो है मिला था, और 1981 में ही पद्मश्री से भी जो है इसे जो है नवाजा गया था। तो इतने फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यूएनईपी। अगर बात करें कि यूएनईपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो जो है कहाँ है, तो नैरोबी में है। तो आपको यह भी याद रखना है। अगर बात करें कि हाल फिलहाल में जो यह जो है कौन सा संस्करण जारी किया, तो देखिए 2019 में जो है यूएनईपी ने 6th संस्करण जो जारी किया था। और इस रिपोर्ट का जो महत्वपूर्ण जो बात था वो इस प्रकार था कि घातक गैसीय उत्सर्जन पीने के पानी को प्रदूषित करने वाले रसायन और पारिस्थितिक तंत्र के विनाश के कारण विश्व में महामारी की स्थिति बनती जा रही है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। ये जो है 2019 के संस्करण जब जारी किया हुआ था उसमें जो है ये जो बात लिखा हुआ था। और दूसरा देखिए जो इम्पोर्टेंट था, वर्तमान में उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का 1/3 भाग दुनिया फेंक देती है, और अमीर देशों में यह जो है 56% है। तो इतने फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का जो है कम होना। देखिए, ओजोन गैस के कारण क्या होता है, तो समताप मंडल में जो है क्या है, तो ओजोन लेयर है, तो उसकी जो है मोटाई जो है दिन प्रतिदिन जो है घटती जा रही है। तो वही जो है बात यहाँ पर जो है पूछा गया था। अगर बात करें वायुमंडल की, तो देखिए पृथ्वी से आपको याद रखना है 18 किलोमीटर जो है क्या है, ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में जो है क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें कि यह समताप मंडल है कितने किलोमीटर पे, तो देखिए वायुमंडल में जो समताप मंडल है जिसे जो इंग्लिश में स्टेरोस्फीयर कहते हैं, वो जो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और उससे ऊपर अगर जाए तो 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो आपको मिलेगा मध्यमंडल, जिसे जो है मेसोफेयर कहा जाता है, और 640 किलोमीटर पर जो है थर्मोस्फीयर, जिसे जो ताप मंडल कहा जाता है, और 10,000 किलोमीटर पर जो है एक्सोफीयर, जिसे जो है बहिर्मंडल जो है कहा जाता है। तो आपको ये मंडल भी जो याद रखना है, ये ज्योग्राफी की दृष्टि से भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें अगर हम बात करें तो समताप मंडल के बारे में, तो देखिए समताप मंडल में ही जो है ओजोन लेयर पाया जाता है। क्या होता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। अगर बात करें कि समताप मंडल में जो ओजोन लेयर पाया जाता है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो देखिए उसकी मोटाई जो है अधिकतम जो मैक्सिमम थिकनेस जो होती है वो जो है कितनी है, तो 20 से 30 किलोमीटर के बीच है।
कितना 20 से 30 किलोमीटर, कोई मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है इसकी मोटाई। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल में टेम्परेचर से। तो देखिए समताप मंडल में जो है तापमान क्या रहता है, तो अस्टेबल रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। और वहाँ पर जो तापमान की वृद्धि होती है कैसे, तो देखिए देखिए ओजन द्वारा जो है पराबैंगनी किरण, जिसे जो है अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, वो क्या करता है, तो अवशोषित करने से जो है वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। और बढ़ता कैसे है समताप मंडल में, तो धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि समताप मंडल में टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, तो धीरे धीरे जो है उसमें जो वृद्धि होती है। अगर बात करें तो देखिए अगर 500 जेट विमान प्रतिदिन उड़ान भरे तो ओजन परत में 12% जो है हानि होती है। अगर बात करें इससे रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल की, तो देखिए इससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है मोर्टियल प्रोटोकॉल। क्या है, मोर्टियल प्रोटोकॉल। और यह प्रोटोकॉल कब लाया गया था, तो 1987 में जो है यह जो लाया गया था किसके लिए, तो ओजन लेयर के जो संरक्षण है, ओजन लेयर के जो है संरक्षण के लिए जो यह जो है प्रोटोकॉल जो है लाया गया था। इतने फैक्ट जो है आपको याद रखना। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा धुआं। अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, बोल रहा है कि कौन सा गैस जो है वह जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, जब CO2 की मात्रा जब बढ़ती है पृथ्वी पर तो क्या होता है, तो पृथ्वी का तापमान जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है, तो देखिए कुछ गैस होता है जिसे जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, वो गैस जब वायुमंडल में रहता है तो उसके कारण क्या होता है, तो जितने भी जो है पृथ्वी का जो ऊष्मा होता है वो जो हीट जो है वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है, इससे क्या होता है, तो टेम्परेचर जो है धीरे, ये जो तापमान जो है पृथ्वी का जो बढ़ता जाता है, और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है कहा जाता है। तो इतने फैक्ट जो आपको याद रखना है। अब देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O जो है मिलकर क्या करता है पर्यावरण में, वो जो जल के अणु के साथ मिल जाता है और जो है अम्ल का जो है रूप ले लेता है। जब वो अम्ल का रूप लेता है और जब वो पृथ्वी पर गिरता है यानी कि धरती पर गिरता है, तो वो अम्लीय वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और जब वो अम्ल जो है पृथ्वी पर गिरता है तब देखिए क्या होता है, तो वह जो है किस रूप में रहता है, तो हाइड्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड के रूप में। ऊपर में रहता है तो किस रूप में रहता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में। लेकिन जब यह जल के साथ मिलकर अम्ल बनाता है और वह धरती पर गिरता है, तो वह जो है हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि H2SO4 का जो है रूप जो है ले लेता है। और इसी के कारण जो है ताजमहल की सुंदरता जो है इसी वर्षा के कारण जो है क्या हो रही है, तो दिन प्रतिदिन जो है धूमिल होती जा रही है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजन परत की ऊंचाई है कितनी है, तो अभी हम बताए थे कि क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई होती है, समताप मंडल की कितनी ऊंचाई होती है, मध्य मंडल की कितनी ऊंचाई होती है, तो इसी में जो है 50 किलोमीटर बताए थे कि 50 किलोमीटर पर जो है समताप मंडल होता है और समताप मंडल में ही ना ओजोन लेयर रहता है, तो इसलिए आपको आंसर क्या देना है, बी नंबर देना है, 40 से 50 किलोमीटर। अब आठ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, मतलब बोल रहा है कि ओजोन परत की जो है हानि होती है वो किस गैस के कारण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। देखिए नौवा नंबर का क्वेश्चन है जो कि सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषक सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा चिपको आंदोलन। हम बताए थे कि ये जो आंदोलन था पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित था, और इसमें जो है पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जो है लोग जो है पेड़ों से जो है चिपक गए थे और बोले थे कि पेड़ से पहले जो है हमें काट दे। अब दसवां नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा नागपुर में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है स्थित है। अब 11वां नंबर का क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है, तो वाहन से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है CO, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 12वां नंबर का क्वेश्चन है, सूची एक को जो है सूची टू से जो मिलान करिए, तो इसमें ए में जो है लिखा हुआ है त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर किससे होता है, तो पराबैंगनी प्रकाश से होता है, और दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण के किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में, और तीसरा है वैश्विक तापन, तो वैश्विक तापन का क्या होगा, तो वैश्विक तापन किसके कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। डी नंबर का ऑप्शन है,
ओजोन छिद्र, ओजोन में जो है छिद्र किसके कारण होता है ज्यादातर, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण होता है। तो आप इसे जो है सीरीज में अगर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से जो है यह जो है संबंधित है। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो वही बोल रहा है कि ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ आपको जो याद रखना है कि ICFRE का जो है मुख्यालय कहाँ है, वो तो आपको जो क्वेश्चन में फंसाने के लिए जो है आपको ऊपर में उतना लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो अगर आप बात करिएगा मेन क्या है मोटिव, तो इसका डायरेक्ट पूछा है कि ICFRE का जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, देहरादून में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वन बहाली। अगर बात करें कि 2021 का विषय क्या है, तो इसका आंसर आपको देना था क्या, तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन जो है इसका विषय था अभी हाल के 2021 में। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा भी तो 2 साल के अंदर का पूछेगा, हो सकता है 2019 का भी पूछ दे, ये भी हो सकता है 2020 का भी पूछ दे, 2021 का भी पूछ दे, तो ये जो है आपको जो है याद रखना है। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या बोले तो राज्य में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दिल्ली में जो है यह जो है प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। क्यों, क्योंकि दिल्ली का जो स्तर जो है उन टाइम में जो है बहुत ही ज्यादा हो गया था प्रदूषण के मामले में, इसलिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है, तो आप ही बताइए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है जैविक घटकों से, बी है भू आकृतिक घटकों से, सी है अजैविक घटकों से, डी है इन सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सभी। अब 18वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल में जो है सबसे अधिक होती है, तो हम क्या बताए थे, जब ऊपर में रहता है तो SO2 और N2O यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो मिलकर जो है अम्ल बनाता है, लेकिन वह जो धरती पर गिरता है किस रूप में आ जाता है, तो यह जो है हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है यानी कि H2SO4 के रूप में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा H2SO4। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो देखिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन से गैस होता है, तो देखिए CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड मीथेन CFC वाष्प और ओजोन सभी जो है इनमें जो है शामिल होते हैं, तो आप इसमें चूज कीजिए कौन सा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो हाँ, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, ओजोन भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन वन, एक से ज्यादा। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, बोल रहा है कथन ए में ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, तो बात सही है, और कारण दिया हुआ है इसका क्या कारण है, तो क्योंकि ओजोन जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है इसलिए मार देती है, तो देखिए इसमें जो कथन जो है ये भी सही है, कथन आर जो है कि ओजोन जो रेडियो एक्टिव नहीं है ये भी बात सही है, तो क्या हो गया, ए और आर जो है दोनों बात सही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, इसका कारण है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, ओजोन रेडियो एक्टिव रहता तो मार देता, तो यही जो है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों जो है सही है, परंतु आर जो है जो बोल रहा है कि ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, इसलिए ये जो है ए का जो है सही जो व्याख्या जो है नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है, इसके जो है घटते क्रम में जो है आपको सजाना है, तो आपको क्या रखना है, घटते क्रम में सजाने का मतलब क्या है, जो कि सबसे ज्यादा है इसकी मात्रा उसको जो सबसे पहले रखना है और धीरे धीरे जिसमें कम है तो उसको जो उसी क्रम से जो रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, CO2 उसके बाद जो मीथेन उसके पास जो है नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए आप बता देते हैं, देखिए अगर CO2 की बात करें तो यह जो है 26% रहता है, अगर मीथेन की बात करें तो 4%,
और अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो 1.5% यानी कि 1.5%, और CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो इसकी जो मात्रा जो है उससे भी जो है कम होती है यानी कि 0.1%। इसी कारण जो इसे जो इसी क्रम में सजाया है CO2 CH4 N2O CFCs। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे इसमें जो है डिस्कस कर दिए। देखिए अब जितने भी साइंस के टॉपिक थे BPSC से रिलेटेड उनमें जो है अब सिर्फ एक टॉपिक ही बचा हुआ है जिसका नाम है क्या, तो विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक। तो इनका जो है प्रॉपर जो है आपको जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं आएगा क्योंकि यह जो वन लाइनर है याद करने का, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, आप बोल रहा है इसका खोज किसने किया, DNA का खोज किसने किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो एक्सप्लेनेशन की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो है लेकिन टेस्ट वीडियो जो है जरूर आएगा, तो आप जो टेस्ट जरूर दीजिएगा, आप इसे मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इन टॉपिक से भी जो क्वेश्चन आता है ये एनवायरमेंट से भी आता है और विज्ञान से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक हैं उनसे भी जो एक क्वेश्चन जो है निश्चित जो है आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी वैज्ञानिक का नाम जो है वो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को जो है मिलाकर जो मिश्रित रूप से जो एक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जो है याद रखना है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नहीं उसके अगले डे में। धन्यवाद।